अरे आप तो ऐसा तो कहा बस थैंक यू मेरे पास कबाब बहुत अच्छे मैंने कबाब बनाए। आप ये भी लीजिए ना, दो तरह उठा के। बेटे है मेरे पास। आप तकल्लुफ क्यों कर रही हैं? अच्छे से खाइए। अरे क्यों करेंगी तकल्लुफ, मैंने बनाया आखिर सब कुछ अपने हाथों से। थैंक यू बेटे, इतना तो मैं खा ही नहीं सकती। अब नेक्स्ट टाइम ना आप लोग मेरी दावत पर आएंगे और आप देखिएगा कि मैं इससे ज्यादा अच्छा इंतजाम करूंगी। सारे खाने आप लोगों की मर्जी और पसंद के बनेंगे। वैसे शहरोज आ जाता तो बहुत अच्छा था ना, उसकी बड़ी कमी महसूस हो रही है हमें। एक्चुअली उसको अचानक कोई काम आ गया था ऐसा उसका कि वो आ नहीं सका, वरना जरूर। अच्छा चले, जब मैं दावत करूंगी ना तब ले आइएगा उसे। उष्णा ये लो, उष्णा तुम्हारी तो बिल्कुल ही प्लेट खाली है, बहुत बुरी बात है। चलो जल्दी से बेटा, नूरी कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ बेटा सबके लिए, जल्दी से जाओ। ये बच्चा क्या करता है? बताओ सैफा। MBA कर रहा है अभी। सब कुछ कैसा लगा? सब बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। और तुम्हें अश्ना? बहुत अच्छा। आपके लिए जरा सही नहीं रहा ना, मुझे पता है आप मिर्चें बिल्कुल नहीं खाती, परहेजी खाना खाती हैं, वो बस सहन से ही मेरे निकल गया आज। अरे नहीं नहीं, परहेजी तो मैं रोज खाती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चेंज। चलें ये तो अच्छी बात है। हुज़ैफ़ा वो जरा मेरे कमरे में गिफ्ट्स पड़े हुए हैं जो हम लोग सबके लिए लेकर आए थे ना, वो जरा जल्दी से लेकर तो आओ। ये क्या तकल्लुफ किया तुम आपने? अरे पहली दफा आप लोग घर आए खाने पे, ऐसे खाली हाथ थोड़ी जाने दे सकती हूँ आप लोगों को, अच्छा नहीं लगता। और बस थोड़ा बहुत सबके लिए, बेटी आई है घर, कुछ तो करना चाहिए था ना। थैंक यू। नईमा बहन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अब आप लोगों को हमारी दावत पर आना है, फिर देखिएगा कैसे इंतजाम करवाती हूँ मैं आपके, अच्छे से अच्छे गिफ्ट लेके रखूंगी। मेरी सदफ तो बहुत अच्छा चाइनीज बनाती है, उष्णा को भी तो इसी ने सिखाया है। हाँ जी,